brought to you by Bhardwaj Electronic and Electrical Works Barmad. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व बिजली सामान गारंटी के साथ उचित दामों में उपलब्ध है। हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्यपाल सत्ती ने एमसी ऊना के चेयरमैन सहित तमाम विभाग के अधिकारियों सहित ऊना के आयुर्वेदिक अस्पताल के प्रांगण में करोड़ों रुपए से बनने जा रही पार्किंग जगह का निरीक्षण किया। इस पार्किंग के बनने से शहर में पार्किंग की समस्या से शहर के लोगों को निजात मिल जाएगी। कार्य को शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल चुके हैं, जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएंगे। वहीं उन्होंने ऊना शहर में मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाए जाने की बात भी कही, जिसमें पार्किंग सहित लोगों की शादी के कार्यक्रम सहित आम जनता को शॉप्स भी मिलेंगी। इससे एक तो कमेटी को इनकम होगी, वहीं लोगों को भी सुविधा मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से जहाँ की प्रपोजल थी कि आयुर्वेदा हॉस्पिटल के बाहर जो प्रांगण है, इस प्रांगण के अंदर पार्किंग बनाई जाए, जिससे हॉस्पिटल आने वाले मरीजों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए, उसके साथ साथ शहर के जो निवासी हैं जिनकी गाड़ियां इधर उधर खड़ी रहती हैं जिसके कारण जाम लगता है, कोई पार्किंग की व्यवस्था हो। तो पीछे म्यूनसिपल कमेटी ने लगभग 97 लाख रुपए का एस्टिमेट भेजा था, तो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपया, उसमें से लगभग 50 लाख रुपए का चेक एक जहां पहुंच चुका है, उस पार्किंग की तैयारी के लिए हम लोगों ने जहाँ लैंड प्लान जो किया है उसको देखने के लिए वेद आर्किटेक्ट इंजीनियर्स और शहर के हमारे चेयरमैन बाबा बेदी जी, सब लोग मेंबर्स लोग आए हैं, तो देखा इसको कैसे हम लोगों ने मैनेज करना। हम चाहते हैं कि कम से कम 60-70 गाड़ियां खड़ी होने की व्यवस्था जहां पर हो जाए। और उसके साथ साथ अभी हम लोग जो वेटरनरी हॉस्पिटल है उसको भी विजिट कर रहे हैं। पुराना वेटरनरी हॉस्पिटल था, अभी गवर्नमेंट के माध्यम से कमेटी को वो लैंड मिली है, वहाँ भी एक मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स हम ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें अभी देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। ओपन पार्किंग सोच रहे हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो जाएँ। कोई मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोई ब्याह शादी के साथ साथ सामाजिक फंक्शन, राजनीतिक फंक्शन, धार्मिक फंक्शन, उनके लिए कोई ऐसा स्थान शहर में नहीं है, तो वहाँ पार्किंग भी हो जाएगी। और जब कभी ऐसा सम्मेलन या ऐसा कोई मेले लगते हैं, आपने देखा होगा कई बार खादी बोर्ड वालों के द्वारा वहाँ पर अपनी आइटम को बेचने के लिए वहाँ पर कई बार ऐसे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बाहर से आए हुए कारीगर हैं, वो अपनी चीज़ें बेचते हैं। मैं देख रहा था कल भी शायद कुछ लग रहा है वहाँ पर, ऐसे मेले लगते रहते हैं जिसमें शहर में रौनक भी है और शहर में आय भी बढ़े और शहर में के अंदर आकर के कोई बाहर से लोग नई चीज़ें खरीद सकें। और सबसे ज़्यादा पर्पज है हमारा कि इन चीज़ों से म्यूनसिपल कमेटी को इनकम का साधन बढ़े, कुछ शॉप्स निकल जाएँ, पार्किंग निकल जाए, मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो उसके नाते लोगों को राहत मिल जाए, बेकार पड़ी हुई लैंड ये काम आ जाए। तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो अभी हम लोग वहाँ भी विजिट करेंगे और उसको भी आगे बना करके शहर की जनता को